ये ना केमिकल वाला कलर है। अब इन गवारे के ऊपर केमिकल कलर डालने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, लेकिन नानी इस बार हम फेल नहीं होंगे। अब देख लेना, आज इनका मुंह ना हरा पीला करके मारेंगे। अरे हम पूछते हैं, ये केमिकल और ये रंग घर में आया कैसे? लकी विकी को क्यों डांट रहे हो? अरे ललिता जी, रंग किसने डाला से कोई मतलब नहीं। अरे सवाल तो ये है कि रंग लाया कौन? ये बदतमीजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। डैड, हमें नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, हम तो सिर्फ मार्केट से। हाँ डैड। उसके बाद सरसों का तेल लगा लेना, आराम मिलेगा। रिया, तुम चलो, मैं तुम्हें नहलाकर तेल लगा लेती। अगर बाल्टी में केमिकल वाला रंग था तो वो यहाँ आया किसके लिए था? चलो अब तुम लोग भी नहा धोकर तैयार हो जाओ, और सालू जमुनिया को आयुर्वेदिक वाला साबुन दे देना, राहत मिलेगी इसको थोड़ी। चलो ठीक, चलिए बो। ये बदतमीजी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बहुरिया, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। गुस्से में ही सही, गुडवा ने तुम्हारे मांग का सिंदूर का रंग और गाढ़ा कर दिया। अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो संजोग। हमने कहा ना, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। बाबू, लाली, आज से पहले हम जामाई बाबू का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। जामाई बाबू का मन में ना तुम्हारा पोती होने के अलावा उस बूढ़ी का बेटा और उस लड़की लोग का बाप छुपा है। तो भी तो हमारा लाकी भिक्की को आज पहला बार इतना जोर से डांटा रंजू का बेटी लोग के लिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सॉरी मॉम, आज हमारा प्लान फिर बैकफायर कर गया। लाली, जामाई बाबू के ऊपर रंजू का रॉन्ग चढ़ने से पहले
हमको उसका मुंह बोधरंग करना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा भी देर किया ना तो तुम जामाई बाबू का नजर से बहुत दूर चला जाएगा लाली। बस मां, आज जो आपने बोला ना, आज के बाद कभी बोलना भी मत और सोचना भी मत। हमारे सोना बाबू पर हमारे प्यार का रंग बहुत गहरा चढ़ा हुआ है, उसके उतरने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जहां तक सवाल है आज के प्लान का फेल होने का, तो हम ये कहेंगे कि आज उनकी किस्मत अच्छी थी। पर किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती माँ, हमें अपने मिशन पर काम करते रहना चाहिए। और देख लेना, एक दिन रंजू खुद आकर कहेगी कि हमें इस घर से निकाल दो, और हम उनसे कहेंगे Get out! Get out! Get out! ऐसे क्यों खड़े हो? माना के डैड ने पहली बार तुम दोनों को डांटा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उनका ख्याल नहीं रखो। जाओ, जाकर उन्हें ठीक से लेटाओ। कौन है? क्या भाई? लाली, तुम सुना था ना, उस सिरफिरा बुरी तुम्हारा सास जाते जाते क्या ताना मारा था? तुमको पता है, वो बुरी ना रंजू का सबसे बड़ा ताकत है। और ये जामाई बाबू ना, जामाई बाबू को बुरी गुड्डुआ गुड्डुआ बोल बोल के ना अपना वॉश पे कर रहा है। नानी की बात राइट है माँ, हमें सारा फोकस दादी पे रखना होगा। एक बार दादी हमारी टीम में आ गई तो ये रंजू और उसकी बेटियां किसी भी कीमत पर इस घर में नहीं रह पाएंगे। बहुरिया, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, गुस्से में ही सही। गुडवा ने तुम्हारे मांग का सिंदूर का रंग और गाढ़ा कर दिया। रंजू ने कैसे अपनी बेटियों को पाला है, है? अच्छी तरह से पाला है भुवन, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है। उस रंजू ने तो तिनका तिनका जोड़कर अपनी जिंदगी बनाई अम्मा, हम तो उसी को गलत समझ रहे थे। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है, हमारे सोना बाबू होश में नहीं थे, भांग के नशे में थे, इसलिए तुम्हें देखकर उन्हें लगा कि हम हैं, और इसलिए सब कुछ हुआ है। हमारे मिश्रा जी से दूर रहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ बहुरिया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मा जी। आप सुकून कर रही है? तुम्हारी मांग में कोनो साधारण रंग नहीं है। आज गुडवा ने गुलाल से तुम्हारी मांग भरी है। बहुरिया,
इसे ऐसे ही रहने दे। अम्मा जी जो कुछ भी हो अनजाने में हुआ, वो एक हादसा था अम्मा जी। कितने सालों से हम अपनी मांग इसलिए भरते आए क्योंकि हाँ हमारी शादी हुई थी मिश्रा जी से, लेकिन सच ये है कि वो एक हादसा था। जैसे आज जो कुछ भी हो वो एक हादसा था अम्मा जी और कुछ नहीं। माँ टवल देना, हम लेना भूल गए। देते हैं। शोना बाबू, शोना बाबू आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आज आपने उन लोगों की वजह से हमारे बच्चों पर गुस्सा किया। अब देख लेना, रंजू और उसकी बेटियां हमारे गुस्से का शिकार होगी। रंजू, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुमको बहुत परेशान किया मेरे। बाप रे, नशे की बात तक तो ठीक थी, मिश्रा जी तो नींद में भी रंजू का नाम ले रहे। अरे रंजू, तुम तो जानती हो ना, हम तुमसे प्यार। नहीं करते हैं। हम तो प्यार ललिता जी से करते हैं। ललिता जी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। शोना बाबू, आपको अफसोस है ना कि आपने रंजू के साथ बहुत गलत किया। हमें आपके अफसोस पे अफसोस है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, सिर्फ हमसे। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं शोना बाबू, और हमें आपके प्यार की कसम, आपके दिमाग से रंजू और उसकी बेटियों को हमेशा के लिए नहीं हटा दिया तो हमारा नाम भी ललिता मिश्रा नहीं। आप होश में और बेहोश में आप सिर्फ हमारा नाम लेंगे, सिर्फ हमारा। चलो, आज शांत मन से पूजा हुई है, पूरे घर में शांति है। वो शैतान की नानी नहीं है ना। ये लो प्रसाद। अम्मा जी, बच्चों ने नाश्ता कर लिए, आप भी कर लीजिए। हाथ में अभी भी थोड़ी खुजली हो रही है। कोई बात नहीं बिटिया, दो दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, हमको तो चिंता है, पता नहीं जमुनिया दीदी का क्या हाल हो रहा होगा। माँ, हमने बुआ से बात कर ली है, वो भी बेहतर महसूस कर रही है। चलो अच्छा। माँ, प्रतियोगिता के बाद से तो हम अभ्यास के लिए जा ही नहीं पाए। आज बड़े दिनों बाद ना अखाड़े की मिट्टी को चूमेंगे। अपने सर से कहना हम कुछ दिन में उनका फीस भी जमा कर देंगे। जी।
जी माँ, हम भगत सर से बात कर लेंगे। हाँ। चले संभाल के जाना, ये हाथ ना। बाय बाय बाय। अम्मा जी, यहाँ आने के बाद आज पहली बार अपनी पहली जैसी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हमारा काम शुरू हो जाए ना तो गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाएगी। सोना बाबू, क्या हुआ? अभी भी सर दुख रहा आपका? अरे बुनिया, चाय लाना। लगता है कल की भांग आपको अभी तक उतरी नहीं। वैसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरा मूड अभी भी खराब है। लकी विकी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी बेचारों को डांट पड़ी। सोना बाबू, हमें हमारे बच्चों की परवरिश पर पूरा भरोसा है। ललिता जी, बात परवरिश की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। कल की त्योहार की सारी जिम्मेदारी लकी विकी की थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बुलबुलिया उस जमुनिया से अपना बदला निकाल रही हो, क्योंकि जमुनिया की वजह से ही तो रंजू और उसकी बेटियों पर बहुत परेशानी आई है। हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर ये भी तो संभव है ना। हम ये नहीं कह रहे कि ये संभावना नहीं हो सकती। होली की सारी जिम्मेदारी लकी विकी की थी। अब अगर रंग की जगह कोई खतरनाक केमिकल आ गया है, उसका जिम्मेदार कौन है? खूब भालो जामाई बाबू, खूब भालो। हम देखा है आपका लड़का लोग पर कोई आंख भी उठाता है तब हाथ में जूता उठाता है। और क्या हो गया, आप अपना बेटा को खुद डांटता है? मम्मी, आई नो आप लकी विकी के लिए परेशान है, लेकिन इस बारे में मिश्रा जी सही कह रहे हैं, तो आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। रीता जी, हमारी दृष्टिकोण समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हमारी ये साहबजादे हैं कहाँ? पहली बार डांट पड़ी है ना तो मुंह छुपाकर अपने कमरे में बैठे। कल रात से दोनों ने कुछ खाया भी नहीं। तो पहले आपने हमको बताया काहे नहीं? आप एक काम कीजिए, आप उनके लिए केस तैयार कीजिए, उनसे बात करके आते हैं। बुनिया, जूस लेके आओ। क्या कर रहे हैं आप? कुछ 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 नहीं, कुछ नहीं। साइड से एक बार बाहर आकर मिलो, तुम्हारा काम बदल देंगे हम। और मजदूरी का काम ये चेहरा छुपा के नहीं किया जाता। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं विशेष सर, काम करने के लिए इन मजदूरों को बोल रहा हूँ और ये लड़की त्योर दिखा रही है। आप हमारी पिक्चर्स क्यों क्लिक कर रहे हैं? अरे फोटो ही तो लिए हैं, कोई गुनाह थोड़े किए हैं। अरे तुम हमारे साइड पर काम करती हो और हमारा मन नहीं लग रहा था तो हमने निकाली तुम्हारी फोटो। देखिए आप अभी की अभी हमारी सारी पिक्चर्स डिलीट कीजिए। अरे वाह, लगता है कि कहीं की रानी महारानी बोल रही है। अकाउंटेंट से मजदूर बन गई, लेकिन अभी तक तुम्हारी अकड़ पर नहीं गई। देखो तुम्हारी क्या मजबूरी है ये हम नहीं जानते। साइड से एक बार बाहर आकर मिलो, तुम्हारा काम बदल देंगे हम। फिर ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। और मजदूरी का काम ये चेहरा छुपा के नहीं किया जाता। और हम भी तो देखे कि गोरा चेहरा गुस्से में कितना लाल होता है। हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की?
ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं विशेष सर, काम करने के लिए इन मजदूरों को बोल रहा हूँ और ये लड़की तेवर दिखा रही है। अरे लाली, मुजफ्फरपुर में सब इसको ना छोड़ी हुई औरत कहता है। अगर हमारी बहुरिया छोड़ी हुई औरत है तो तुम्हारी बेटी के पास उसका छोड़ा हुआ पति है। काम करने के लिए इन मजदूरों को बोल रहा हूँ और ये लड़की तेवर दिखा रही है। सुनो, यहाँ मेहनत का पैसा मिलता है, बैठने का पैसा नहीं मिलता है। चलो जाओ अपना काम करो। शालू, आप ये काम? देखिए ना सर, आपने इन्हें होली का बोनस भी दिया है लेकिन काम में अभी भी लोग ढीले हैं। शालू, यहां साइट पे मजदूरी क्यों कर रही है? एक तो इन बहनों का कुछ समझ में नहीं आता, एक वो बुलबुलिया है जो काम कम और कारनामा ज्यादा करती, और एक ये है जो कुछ भी काम करती है। अरे लाली, मुजफ्फरपुर में सब इसको ना छोड़ी हुई औरत कहता है। हम तुमको छोड़ा हुआ और छोड़ी हुई का मतलब समझाते हैं। तुम्हारी बेटी के छोना बाबू होने से पहले हमारा बेटा गुटवा हमारी बहुरिया का पति था। उस हिसाब से अगर हमारी बहुरिया छोड़ी हुई औरत है तो तुम्हारी बेटी के पास उसका छोड़ा हुआ पति है। अरे लाली, मुजफ्फरपुर में सब इसको ना छोड़ी हुई औरत कहता है। हम तुमको छोड़ा हुआ और छोड़ी हुई का मतलब समझाते हैं। तुम्हारी बेटी के छोना बाबू होने से पहले हमारा बेटा गुटवा हमारी बहुरिया का पति था। उस हिसाब से अगर हमारी बहुरिया छोड़ी हुई औरत है तो तुम्हारी बेटी के पास उसका छोड़ा हुआ पति है।